पांडव वार्णव्रत में है? हाँ, वार्णव्रत। और माता कुंती? वो भी उन्हीं के साथ है। देवी कुंती के सम्मान में वार्णव्रत में एक समारोह रखा गया है। सुना है कुमार दुर्योधन ने पुरोचन से एक अति सुंदर महल पांडवों के लिए बनवाया है। ये अग्नि नहीं है अंगराज, ये वो प्रकाश पुंज है जो हस्तिनापुर का भविष्य बदल देगा और साथ में आपका और मेरा भी। पांडव वार्णव्रत में है और पुरोचन भी वहीं जा रहा था। और मित्र दुर्योधन के मन में अचानक पांडवों के प्रति प्रेम कहां से उत्पन्न हो गया? कर्ण, ये है पुरोचन, ये हमारे लिए युद्ध लड़े। युद्ध करे बिना पांडवों को कैसे परास्त किया जा सकता है? ऐसा कौन सा मार्ग है? मार्ग है, ये भान भी नहीं होगा और उनका अस्तित्व सदैव के लिए मिट जाएगा। इसका अर्थ है कि वार्णव्रत में षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसलिए गांधार नरेश मुझे दुर्योधन से मिलने नहीं दे रहे थे। कहीं वासुदेव इसी कपट की अग्नि के विषय में सचेत तो नहीं कर रहे थे मुझे? क्या सोच रहे पुत्र? कुछ नहीं पिताश्री, मुझे शीघ्र जाना होगा। कहां? जो समय पर निर्णय नहीं लेता, समय उसे कभी क्षमा नहीं करता। पांचाल नरेश, अग्नि को गर्भ मानकर पूर्ण आहुति प्रदान करे ऋषिवर। अवश्य। सुदेव, मेरी ये आहुति सफल होगी ना? ये मैं कैसे बता सकता हूं पांचाल नरेश? जब आप जानते ही नहीं थे, फिर ये सुझाव क्यों दिया? मैंने तो वही कहा जिसका वर्णन पवित्र वेदों में है। नहीं, आप मेरा यज्ञ भंग करना चाहते थे। मैं जानता हूं वसुदेव, आप द्रोणाचार्य को सुरक्षित रखना चाहते हो। मैं ये कैसे भूल गया कि उन पांडवों के संबंधी हो आप। हस्तिनापुर को मेरे प्रतिशोध से बचाना चाहते हो आप और मुझे असफल देखना चाहते हो आप। अपने क्रोध के अश्वों को संभालिए पांचाल नरेश। यज्ञ भंग करने की इच्छा रखने वाले पूर्ण आहुति का समय आने तक की प्रतीक्षा नहीं करते। मैं ना हस्तिनापुर के पक्ष में हूं, ना पांचाल के। मैं तो नियति के पक्ष में हूं, धर्म स्थापना के पक्ष में हूं। Oh,
यज्ञ सफल रहा। आपका पुत्र जन्म लेने वाला है। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। मुझे क्षमा कर देना वासुदेव, मेरे समक्ष एक समस्या उत्पन्न हो गई थी। उसी क्षण आपका आना हुआ। ये संयोग नहीं था, ये प्रारब्ध था। आप यहां मेरी सहायता के लिए आए हो। ना कुछ संयोग होता है ना कुछ प्रारब्ध, कुछ होता है तो केवल कर्म पांचाल नरेश और उनके फल। दुख होता है, मेरा इतना सुंदर महल, मेरी इतनी सुंदर कृति कल प्रातः काल राख का ढेर होगी, अपने भीतर उपस्थित अतिथियों समेत। अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए मुझे अपने हाथों ही अपनी इस सुंदर कृति को ज्वाला देनी होगी। प्रणाम युवराज। बड़ा विलंब कर दिया आपने आने में पुरोचन महोदय, मुझे भूख लग रही है और आपकी भार्या और बालक इस हट पे अड़े हैं, क्या आप ही के साथ भोजन करूं? विलंब के लिए क्षमा चाहता हूं कुमार भीम, अब आपके भोजन में विलंब नहीं होगा। वैसे आपको ये मेरा बनाया महल कैसा लगा? ठीक है, कुछ कमियां हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है। प्रोचन के निर्माण में कमी निकालना ठीक वैसा ही है जैसा ब्रह्मा जी की सृष्टि में दोष ढूंढना। रुष्ट मत हो ये प्रोचन महोदय, अनुज भीम की ये व्यक्तिगत सोच है, परंतु सत्य ये है कि ये महल वास्तविकता में अनोखा है। इसकी तुलना संसार के किसी भी निर्माण से नहीं की जा सकती। प्रशंसा के लिए धन्यवाद युवराज, आइए भोजन करते हैं। कुमार भीम, कल प्रातः काल तक आपको कोई कमी नहीं मिलेगी इस महल में। अग्नि कुंड से उत्पन्न अग्नि की भांति अधीर साहसी भव्य और विनाशक आपका ये पुत्र दृष्टद्युम्न कहलाएगा।
स्वागत है पुत्र दृष्ट दम। तुम मेरी कठोर तपस्या का फल हो। तपस्या का फल उद्देश्य पूर्ति पर ही प्राप्त होगा। मेरे जन्म का उद्देश्य तुम्हारा अहंकार, उस पर विजय पाना शेष है जिसे मैं पा करूंगा। आज मैं एक राजा का पिता हूं और तुम कुछ भी नहीं द्रौपदी, इसलिए मैं भारद्वाज पुत्र द्रोण, हस्तिनापुर राजगुरु द्रोण, पांचाल का आधा राज्य द्रुपद को दान में देता हूं। अपने पिता का प्रतिशोध पूरा कर। मेरे हृदय में जो प्रतिशोध की अग्नि जल रही है, उस अग्नि में मुझे द्रोण की आहुति चाहिए। तो मैं अपने पिता का मान सम्मान और प्रतिष्ठा और पांचाल का गौरव और वैभव फिर से लौटाना होगा। आपकी तपस्या पूर्ण होगी पिताश्री, आज्ञा दीजिए। यज्ञ अग्नि से जन्म लेने वाले यज्ञ सेन दृष्टिदम, संसार में जन्म लेने वाले किसी ना किसी कारणवश जन्म लेते हैं, परंतु लक्ष्य साधने का एक समय निश्चित होता है। अग्नि शिखा फिर से विराट हो गई है। प्रतीत होता है कि आज अग्नि बहुत अधीर है मुनि, आज जैसे अग्नि का सर्वत्र साम्राज्य है, हर दिशा हर ओर भिन्न भिन्न प्रकार की अग्नि गर्जना कर रही है, प्रतिशोध की अग्नि। कपट की अग्नि, विनाश की अग्नि, विनाश की अग्नि। सब तैयार है ना? मसाले ठीक से डाल दिए थे? हाँ, सब वैसा ही बना है जैसा आपने कहा था। यज्ञ अग्नि बहुत प्रबल है, यह स्थान इतनी ऊर्जा सहन नहीं कर पा रहा है।
कुछ को ज्ञात है कि तुम आ रही हो, कुछ नहीं जानते कि तुम आ रही हो, परंतु सबको तुम्हारी प्रतीक्षा है, क्योंकि नियति तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। पंचाल नरेश, ये गुफा और अधिक समय तक नहीं रह पाएगी। ये अग्नि सबको निगल जाएगी, सबको निगल जाएगी। पंचाल नरेश, आप यज्ञांशी हैं, अर्थात इस यज्ञ को समाप्त करने की अनुमति दें। अग्नि को गर्भ माना है ना, तो उसके तप को भी सहना होगा। पंचाल नरेश, यज्ञ प्रारंभ किया है तो उसके संपन्न होने की भी प्रतीक्षा करनी होगी। जीवन में कभी नियति पर विश्वास किया है, ईश्वर में आस्था रखी है, तो फिर अब विश्वास करो। आज नियति का चक्र अपना मार्ग बदलेगा। आज की रात्रि विश्वास की रात्रि है, परिवर्तन के प्रथम सोपान की रात्रि है। ईश्वर के सामने, नियति के समक्ष समर्पण की रात्रि है। ये युवराज, भार्य ने अपने हाथों से ये भोजन तैयार किया है, सुस्वाद तो है ना? आप रहने दीजिए, हम स्वयं ले लेंगे। नहीं नहीं युवराज माता, आपको युवराज और इनके भ्राताओं को भोजन कराना तो परम सौभाग्य की बात है, और कौन जाने कि फिर ये अवसर मिले या ना मिले। क्योंकि कल तो आप जाने वाले हैं ना? अर्थात कल वर्णावत में आपका सत्कार होगा ना? फिर आपके पास कहां समय शेष होगा इस निर्धन का सत्कार लेने का? मैं आज कृतार्थ हुआ, और मेरा ये भवन भी कृतार्थ हुआ जिसमें आपका आगमन हुआ। ठीक है, तो आप भी यहाँ विराजी? नहीं नहीं राजमाता, राज परिवार के साथ बैठकर भोजन करने का सामर्थ्य और दुस्साहस मुझ में कहाँ। पहले आप तृप्त हो जाइए, उसके बाद प्रसाद समझकर हम भी खा लेंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.